So this is a sad news for everyone. Many students requested NCERT for conducting the exam as soon as possible, but some student got this particular email from NCERT help RICH reply that you can see, dear candidate, we understand your concern, but as of now this year CE cannot be conducted. The merit list will be prepared on the basis of qualifying exam marks. So friends, I will suggest you to email them again seeking the proper reason for not conducting the exam. आप सब लोगों से मैं ये आप सब लोगों को ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उनको फिर से ईमेल करो और बोलो कि एग्ज़ाम क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों कंडक्ट नहीं हो सकता, जबकि RIE CEE में सिर्फ लगभग 100,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट CU CET और डिफरेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं. अगर वो पॉसिबल है, CU CET कंडक्ट हो रहा है, नीट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, JEE Main कंडक्ट हो रहा है, तो फिर RIE क्यों नहीं कंडक्ट हो सकता? RIE में बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, ओनली 1 लाख से भी कम बच्चे अप्लाई करते हैं. तो वो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो कंडक्ट हो पा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कंडक्ट हो सकता? ये आप उनके पास फिर से ईमेल करके आप उनको पूछो, ठीक है? थोड़ा प्रेशर बनाओगे आप लोग, ठीक है? सब लोग ईमेल करोगे, सब लोग हेल्पलाइन पे कॉल करने से शायद वो नहीं उठाएंगे, लेकिन सब लोग ईमेल वगैरह करोगे, ट्विटर कैंपेन वगैरह भी कर सकते हो आप लोग, तो शायद थोड़ा प्रेशर बने और वो एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराएं, या फिर जल्दी क्या मतलब कंडक्ट तो नहीं कराएंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो शायद वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ये भी मुझे पूछ रहे थे, सर क्या हमारा फ़ी जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा? देखो, फ़ी रिफ़ंड करके आप क्या करोगे? फ़ी आपको 1000 रुपया मिल जाता तो भी आप क्या करोगे? आपने इतने जो दिन प्रिपेरेशन किया वो तो मतलब एक तरह का वेस्ट हो गया ना. देखो, प्रिपरेशन, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाता. जो चीज़ आप प्रिपरेशन किए हो वो डेफिनेटली आपको कोई और एग्जाम में काम में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना चाहिए ना. जब दूसरे, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन होता कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, तब वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराते तो अलग बात थी. एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो रहे हैं ना, बाकी सब एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आप रिक्वेस्ट करो, आप प्रेशर बनाओ कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, ठीक है? और अगर नहीं होता तो फिर वो बाकी चीज़, फी रिफंड वगैरह का चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले चीज़ है कि रिक्वेस्ट करो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए. हमारे तरफ से भी जो हम कर पा रहे हैं, बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं कि वो भी मतलब ईमेल वगैरह करें या ट्विटर जो भी कर सकते हैं करें, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आप उनको, आप मास हो ना, आप 100,000 बच्चे हो आप लोग, ठीक है? सब लोग अगर ईमेल करोगे तो डेफिनेटली वो कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू अगेन ईमेल देम सीकिंग द प्रॉपर रीजन फॉर नॉट कंडक्टिंग एग्जाम. सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. कुछ दिन बाद फिर से हम मिलते हैं, जो भी उनका लेटेस्ट. ये देखो, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये बस रिप्लाइड ईमेल है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ अपडेट्स आता है तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम बनाते हैं तो आपके पास डेफिनेटली उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर. थैंक यू.